हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, सावन है स्पेशल लेटेस्ट नोट वीडियो एडिटिंग में आपके लिए ले चक्कर आ चुका हूँ, जो कि आपने प्रीमियम वीडियो देख लिया हो। तो दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए एक PNG, दो ठो मॉडल फोटो, फुल फोटो, मतलब जिस टाइप का फोटो हो तो फ्रेम में लगाने के लिए उस टाइप का फोटो आपको ले लेना है। देन जो जिप फाइल मैंने आपको प्रोवाइड किया वो मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, वहाँ से मटेरियल को डाउनलोड कर लेना है। देन मटेरियल डाउनलोड करने के बाद नोट वीडियो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं तो है तो सिंपली ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो जैसे ही मैंने ओपन किया मेरा नोट वीडियो यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये नोट वीडियो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मिनी मोड के ऊपर इंपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, लोड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको रिसेंट में ही आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो आप डाउनलोड करके लेकर आए हैं। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है गाइज, तो आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड में जाकर ढूंढ लेना है। मान लीजिए मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है, तो मैं अगर इसे सेलेक्ट करूँगा तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब ये 11 नंबर का पोस्ट अभी मैंने ऐड करके आपको दिखाया, बट आपको जो मैंने प्रोवाइड किया वो 12 नंबर का पोस्ट है, ठीक है, ये वाला पोस्ट है। तो आपको सिंपली इसे यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली ओपन कर लीजिएगा। और गाइस, जैसे ही आप ओपन करेंगे देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, जिस पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको दो ठो फ्रेम देखने को मिल रहा है और एक मॉडल इमेज देखने को मिल रहा है। बैकग्राउंड में केदारनाथ धाम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप केदारनाथ धाम को चेंज करना चाहते हो तो आपको बैकग्राउंड को चेंज करना होगा। मैं इसे रहने देता हूँ। यहाँ पर हम चेंज क्या करने वाले हैं, महादेव का जो फोटो है, तो 10 नंबर का जो फोटो देख सकते हैं इसे आप चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे और चेंज करेंगे। जहाँ पर भी रखना हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं महादेव का फोटो है पहले से, तो मैं यहाँ पे एक शिवलिंग लगाकर दिखाता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फोटो ही रहने देंगे। अभी स्थिर डाउट पे क्लिक करके रिप्लेसमेंट क्लिक कर लेंगे, टैप टू रिपिक पे क्लिक करेंगे और एल्बम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जिस भी फाइल में आपका PNG वगैरह होगा उस फाइल को आपको सिंपली ओपन कर लेना है। जैसे मैंने इसे ओपन किया, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे शिवलिंग एक मेरे पास है, तो मैं शिवलिंग को ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेव वाले ऊपर बटन पे क्लिक कर देंगे और आगे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी हमने ऐड किया शिवलिंग, और शिवलिंग ऊपर हवा में ही रह गया, तो इसे हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा और आगे की तरफ करते हैं इसे, और यहाँ पर जो कारपेट लगा हुआ है रेड वाला, इसके बराबर में रख लेंगे, कारपेट के बराबर में ही रख लेते हैं, सही लगेगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो इस कारपेट को और भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। जितना पे भी रखना हो तो उतना पे आप रख सकते हो। तो मैं इतना पे यहाँ पे रहने देता हूँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इतना पे, ठीक है। तो कारपेट भी मेरा सही है, यहाँ पे जो शिवलिंग अभी मैं चेंज किया वो भी सही है। अब यहाँ स्टार्टिंग में आना है, फोटो का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रेम जो दिख रहा है, इस फ्रेम में जो फोटो लगा हुआ है, इस फोटो को हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। ये फोटो देख सकते हैं फ्रेम में लगा हुआ है, इसी को हम चेंज करने वाले हैं। तो फोटो पे क्लिक करेंगे, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, टैप टू रिपिक पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद जो भी फोटो यहाँ पे ऐड करना चाहते हो उस फोटो को सिंपली सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा इस फ्रेम में। अब जैसे ये फ्रेम में यहाँ पे फोटो लग गया, तो बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, फ्रेम के बराबर में करना चाहते हो, तो इस तरह से कर देना है। करने के बाद यहाँ पे जो ये फ्रेम है, इस फ्रेम को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो फ्रेम को अगर हम इत्ता पे रखें तो सही लगता है देखने में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से इत्ता पे। छोटा करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। तो इसे मैं इतना पे रहने देता हूँ, इस फोटो को यहाँ पे ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ बीचों बीच सेंटर में, ठीक है। इतना पे देख सकते हैं एकदम सेंटर में आ गया। अब दूसरा वाला फ्रेम इस साइड में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये यह वाला, तो इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे छोटा करना हो, बड़ा करना हो, तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इतना पे छोटा कर दिया हूँ। अब ये जो सेकेंड वाला फोटो है, इसे भी चेंज करेंगे तो फोटो को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करना थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, रिप्लेस वाले ऑप्शन टैप करेंगे, टैप टू डीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी फोटो लगाना चाहते हैं फोटो को सेलेक्ट कीजिए, सेव वाले बटन पर क्लिक कीजिए, फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब इस फोटो को आपको एडजस्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो ये फोटो है, यहाँ से छोटा करके फ्रेम में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फोटो परफेक्टली सेट हो गया। और गाइस, यहाँ पे सॉन्ग की जरूरत है तो ऑडियो यहाँ पे लगा हुआ है, बट अगर आप ऑडियो चेंज करना चाहते हो तो इसे डिलीट कर दीजिएगा। इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिए, लोड फ्रॉम फाइल पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जो भी ऑडियो आप ऐड करना चाहते हो उसे सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने एक ऑडियो सेलेक्ट कर लिया जो 36 सेकंड का है। तो यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये एडो पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। प्रोजेक्ट के बराबर में ये लाइन को लेकर आएंगे, सॉन्ग को सेलेक्ट करेंगे, ट्रिमर पर क्लिक कर देंगे, दो पार्ट में सॉन्ग कट जाएगा। नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, ऐसे डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों, ये बस इजी स्टेप में हमारा एडिटिंग होगा। फिर जो कि आप प्ले करके अगर देखते तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, काफ़ी कमाल का लगता है। आपने प्रीमियम वीडियो देखा ही होगा। तो गाइस, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मैंने शिवलिंग लगाया, तो आप इसकी जगह पे
महादेव का जो फोटो लगा हुआ था उसे रहने दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा था वही वाला, तो मैं उसी को रहने दिया हूँ, आप अपना देख लीजिएगा। अभी इसे सेव करने के लिए ये वाले ऐड पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे जो रूट का ऑप्शन है ग्रीन वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना है, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई, उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह का और भी एडिटिंग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।